भारतीय दूरसंचार उद्योग को ड्यूपोली की स्थिति से बचाने और कंज्यूमर वेलफेयर सुनिश्चित करने के लिए केंद्र सरकार को संकट से जूझ रही वोडाफोन आइडिया को राहत देनी चाहिए, साथ ही साथ सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL का प्राइवेटाइजेशन भी करना चाहिए, अन्यथा आने वाले समय में उपभोक्ताओं को टेलीकॉम उद्योग में प्रतिस्पर्धा की कमी का सामना करना पड़ेगा। ये बयान कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी के सेक्रेटरी जनरल प्रदीप मेहता ने दी। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भारतीय टेलीकॉम मार्केट से वोडाफोन आइडिया अपना कारोबार समेट लेती है तो भारत के दूरसंचार उद्योग में तीन ही दूरसंचार कंपनियां बच जाएंगी, जो है रिलायंस जियो, भारतीय एयरटेल और BSNL। BSNL की स्थिति भी कुछ खास नहीं है, BSNL को भी प्राइवेटाइजेशन की जरूरी है। अगर BSNL का प्राइवेटाइजेशन और वोडाफोन आइडिया को केंद्र सरकार से राहत नहीं मिलती है तो भारतीय दूरसंचार उद्योग ड्यूपोली की स्थिति में चला जाएगा। यह दूरसंचार ग्राहकों के लिए अच्छी खबर नहीं होगी, क्योंकि प्रतिस्पर्धा लगभग ना के बराबर हो जाएगी। जानकारी के लिए बता दें कि पिछले दिन सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल की AGR याचिका को खारिज कर दी है। वोडाफोन आइडिया और भारतीय एयरटेल ने AGR के दोबारा कैलकुलेशन की मांग की थी। इस याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस बड़े फैसले के बाद टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया की स्थिति डगमगाती नजर आ रही है। वोडाफोन आइडिया के सेल्फ असेसमेंट के अनुसार उनका AGR बकाया 21,533 करोड़ रुपए होना चाहिए। वहीं भारतीय एयरटेल के सेल्फ असेसमेंट के अनुसार उनका AGR बकाया 13,003 करोड़ रुपए होना चाहिए। इस याचिका के खारिज होने के बाद अब वोडाफोन आइडिया को 58,400 करोड़ रुपए का भारी भरकम AGR बकाया चुकाना है। वहीं भारतीय एयरटेल को 43,980 करोड़ रुपए का AGR बकाया चुकाना है। इस AGR बकाए में से वोडाफोन आइडिया ने 7,854 करोड़ रुपए चुका दिया है। वहीं भारतीय एयरटेल ने 18,003 करोड़ रुपए चुका दिया है। बाकी राशि का भुगतान 31 मार्च 2031 तक दोनों ही टेलीकॉम कंपनियों को 10 किस्तों में चुकाना है। वर्तमान समय में वोडाफोन आइडिया पर 1.8 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। वहीं कंपनी का कैश बैलेंस सिर्फ 350 करोड़ रुपए ही है। आपको बता दें कि दिसंबर 2021 से अप्रैल 2022 के बीच टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन आइडिया को करीब 22,500 करोड़ रुपए का स्पेक्ट्रम और AGR बकाया चुकाना है। हालांकि कंपनी ने सरकार से स्पेक्ट्रम बकाया चुकाने के लिए 1 साल की मोहलत मांगी है। बहरहाल कंज्यूमर यूनिटी एंड ट्रस्ट सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी के अनुसार अगर भारतीय दूरसंचार उद्योग को ड्यूपोली की स्थिति से बचाना है तो केंद्र सरकार को वोडाफोन आइडिया को राहत देने की जरूरत है, साथ ही साथ सरकारी दूरसंचार कंपनी BSNL के प्राइवेटाइजेशन करना भी जरूरी है। टेलीकॉम न्यूज की रिपोर्ट।